नतीजों पर फोकस, अगर हम इसमें देखें तो जो कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजा है, उनमें जो मेन रिजल्ट्स थे उसमें था एनएमडीसी का काउंटर। यहाँ पर की देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब फ्लैटिश था, ऑन द पॉजिटिव साइड 0.4% की बढ़त देखने के लिए मिली, लेकिन प्रॉफिट में करीब 19% का उछाल, 1652 करोड़ से बढ़कर 1971 करोड़। वहीं एबिटा देखें तो करीब 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एबिटा मार्जिन में एक अच्छा जंप, करीब 37% से एबिटा मार्जिन 43.2%, तो ये एक अच्छा खासा जंप कहा जा सकता है। ब्रिजेश जी, एनएमडीसी कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट? वीर जी, एनएमडीसी के जो लॉन्ग टर्म के चार्ट से काफी पॉजिटिव थे तो, और अभी जो हालांकि जो रिसेंट जो करेक्शंस आया तो उसमें टेक्निकल प्रस्पेक्टिव से उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ से एक उछाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देखने हो सकता है। मार्केट में थोड़ा ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग है तो शायद स्लो मूविंग रहेगा, बट डेफिनेटली अगर किसी का पोजिशनर है, किसी को पोजिशन बांधना है तो ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ से काफी नजदीक का स्टॉप लॉस बन रहा है, 215 का रिस्क है, मीन्स 10-1 पॉइंट का रिस्क से मुझे लगता है यहाँ पे हम वापस तेजी कर सकते हैं, जिसमें जो करेक्शन आया था 280 के लेवल से आया था तो अच्छा खासा 50 पॉइंट का मूव हम यहाँ से देख सकते हैं। तो स्लो एंड स्टडी होगा बट डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग ढूंढना चाहिए, 215 के स्टॉप लॉस से इसमें किसी को पोजीशन बनाते हो तो बना सकते हैं। जी, नतीजों का सीजन चल रहा है और एक कंपनी जिनके नतीजे हमें आते हुए दिखाई दिए थे इसी वीक में, मैप माई इंडिया, जिसको सी इन्फो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसके टॉप मैनेजमेंट रोहन वर्मा, सी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजल्ट्स पर डिस्कशन के लिए। गुड मॉर्निंग रोहन सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं और काफ़ी कंसिस्टेंटली आपकी कंपनी ने पिछले अगर मैं देखूं 7-8 क्वार्टर से परफॉर्म किया है और शेयर भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रीट में। सर पहले मैं रिजल्ट्स दर्शकों के लिए पढ़ देता हूँ, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद यू। रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 13.5% का जंप कंपनी में के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला, करीब 90 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में करीब 12% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में करीब 14% का जंप और एबिटा मार्जिन ऑन द पॉजिटिव साइड से 20 बेसिस पॉइंट का जंप, 41.9 से 42.1। सर आपके दो मेन बिजनेस जो कि एक होता है मैप लैड और दूसरा होता है आईओटी लैड बिजनेस, इन दोनों में अब आने वाले समय के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स आपको क्या दिख रहे हैं? थैंक यू। दोनों दोनों जो मैप लेड बिजनेस है एंड आईओटी लेड बिजनेस है, इसमें ग्रोथ हमें ऑटोमोटिव मार्केट से दिखेगा, मोबिलिटी जो कि फ्लीट और लॉजिस्टिक्स के मार्केट है उससे दिखेगा, कंज्यूमर टेक कंपनीज जैसे ई कॉमर्स या D2C कंपनीज या एंटरप्राइज सेक्टर से दिखेगा, जैसे कि आपके बैंक्स हो, एनर्जी हो या गवर्नमेंट वाली सेक्टर हो, डिफेंस हो। तो यहाँ इन सारे जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनको हमारा जो मैप लेड सॉल्यूशंस है या आईओटी लेड सॉल्यूशंस है, चाहे वो ऑटोमोटिव में ईवी और एडास के नेविगेशन और कनेक्टेड व्हीकल वाले सॉल्यूशंस चाहिए या वो आईओटी लेड के जैसे वीडियो टेलीमैटिक्स या स्कूल बस मॉनिटरिंग या यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस हो वो चाहिए, या उनको अगर कंज्यूमर टेक कंपनीज में ऐप बेस्ड पर्सनलाइजेशन करना है लोकेशन के तौर पर, या उन्हें एड्रेस कैप्चर करना है, जैसे कोई कंज्यूमर अपना एड्रेस डालता है वो एक्यूरेट बनाना है, या कोई बैंक हो जिसको क्रेडिट असेसमेंट करना है लोकेशन के बेसिस पर या जी ब्रांच असाइनमेंट, या फाइनली गवर्नमेंट में जो 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग उनको चाहिए, या अगर उनको जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आईओटी चाहिए अपने गाड़ियों में, ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, सनराइज सेक्टर है जहाँ पे मैप लेड आईओटी लेड को फायदा होगा। जी सर, आपके मार्जिन्स 42% क्रॉस कर चुके हैं बीटा मार्जिन्स, तो डू यू सी कि ये जो पूरा फिस्कल रहेगा आप इन्हीं मार्जिन्स या इससे बेहतर मार्जिन्स पर काम करेंगे? देखिए, हम मार्जिन्स पे गाइडेंस नहीं देते हैं। आपने जैसे कहा सही से शुरू में कि अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आईपीओ से या उसके पहले से भी, काफ़ी हाई मार्जिन वाली बिजनेस है, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म वाले वाली कंपनी है, हम अपना इन्वेस्ट करते हैं आईपी में, इनोवेशन में, और उसका वैल्यू हमें कस्टमर्स देते हैं।
तो वो काम हमारा जारी है, हम कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स में प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका वैल्यू कस्टमर से मिल रहा है। मार्जिन के दो पहलू हैं, एक है कि जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो फायदा आता है, और साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भी उसको वर्ल्ड क्लास कंटिन्यूसली वर्ल्ड से के बेस्ट में रखना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। और दूसरा है कि मार्केटिंग में अवेयरनेस के लिए भी तो हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर्स हमें पसंद करते हैं, लेकिन और भी कस्टमर्स अगर हमें जाने, हमें लगता है कि उससे हमारे बिजनेस को बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये बैलेंस लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से मार्जिन को जो होना होगा सो होगा, बट फंडामेंटली स्ट्रांग प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है हमारा। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों के लिए आपकी जो कंपनी के की क्लाइंट्स हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। हुंडई, किया, मारुति, BMW, मर्सिडीज, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, गवर्नमेंट के भी काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, GST नेटवर्क को लेकर, यूपी पुलिस, PM ग्राम सड़क योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एट्सेट्रा। सर, इतना बड़ा क्लाइंट बेस एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस, अभी आपको कहाँ लगता है कि किस पर्टिकुलर थीम पर, BFSI थीम पर, या जो आप टेक्नी जो ऑटो थीम पर, या आप गवर्नमेंट से, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन लग रहा है कि इस फिस्कल में रहेगा? देखिए, सारे ही सेक्टर्स अपने काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंजन्स हैं। हम मल्टी प्रोडक्ट मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, मतलब कि अगर आप एक टू डायमेंशनल टेबल सोचिए कि रोज में और कॉलम्स में इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स हो, तो हम हर सेल में खेलते हैं और वहाँ पे यूज केसेस हैं, सॉल्यूशंस हैं उस इंडस्ट्री वर्टिकल के लिए जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्व करते हैं। तो ये सारे काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं, मार्केट के नीड पे डिपेंडेंट है। कहीं ऑब्वियसली किसी क्वार्टर में किसी साल में कोई ज़्यादा आगे बढ़ेगा, कोई कोई कम आगे बढ़ेगा, वो मार्केट के अडॉप्शन पर है और हमारे पुश मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है, दोनों पुल एंड पुश दोनों पे डिपेंडेंट है। तो सारे ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, हम सारों पर ही फोकस्ड है। ऑब्वियसली जैसे आप देखते हैं ऑटोमोटिव स्ट्रांग है, सनराइज है, BFSI है, मैन्युफैक्चरिंग थीम बड़ी हो रही है, गवर्नमेंट बहुत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे स्पेंड कर रही है, तो इसीलिए ये सेक्टर्स आपको ज़्यादा हमारे अर्निंग्स रिजल्ट्स में सुनने को आते होंगे। बट वैसे भी नए नए सेक्टर्स भी आते हैं, नए नए यूज केस आते हैं, जैसे ये फ्लड मॉडलिंग का आपने सुना कि, या ये स्कूल बस वर्टिकल, ऐसे करके नए भी आते रहते हैं और उस पर भी हम अपना ग्रोथ पे फोकस करते हैं। जी रोहन सर, जब मेरी लास्ट टाइम दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपसे बात हुई थी, उस समय आप डिफेंस को लेकर भी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे थे। सर, क्या अपडेट्स हैं उस पर, कितना बड़ा वर्टिकल ये बन चुका है? बिल्कुल, डिफेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्टिकल है, हम उस पर बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। पूरा डिफेंस के लिए अगर आप सोचिए तो हमने GIS सिस्टम बनाया है, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट के साथ TOT करके, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करके, जो इंडी GIS प्लेटफॉर्म DRDO लैब ने बनाया उसको हमने TOT किया, जिससे गवर्नमेंट को एक डिफेंस सर्टिफाइड जो पहले से बना हुआ है उस पे जो हम इनोवेशन कर सकते हैं वो हमने किया। साथ ही साथ जो सोल्जर्स के लिए जो एक बहुत ही सेफ और सिक्योर नेविगेशन सिस्टम और व्हीकल ट्रैकिंग एंड पर्सनल एंड मोबाइल एसेट मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए, जो कि किसी भी बाहरी क्लाउड पर या किसी भी बाहरी नेटवर्क पे ना चले, लेकिन उनको उतने ही अवेयरनेस दे सिचुएशनल और नेविगेशनल जो नॉर्मल जैसे मैपल्स ऐप से आता है। ये हमने काम किया और ये भी प्रोजेक्ट लाइव आ गया है। ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैप लेड, IoT लेड, GIS रिलेटेड, या सैटेलाइट इमेजरी, अर्थ ऑब्जर्वेशन रिलेटेड, AI रिलेटेड, जो हमने काम किया है डिफेंस के लिए और काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे इंडिया आत्मनिर्भर होता है, ये की टेक्नोलॉजीज में अपना सेल्फ रिलायंस चाहता है, तो हम होप करते हैं कि उसमें और अडॉप्शन हो हमारे टेक्नोलॉजी का और देश की भलाई हो उससे। जी सर, नवंबर लास्ट ईयर आपने एक QIP की अप्रूवल ली थी बोर्ड से, अभी उस पर क्या अपडेट देना चाहेंगे? वो QIP कब आएगा
और क्या कुछ उसमें उसकी वजह से प्रमोटर का इक्विटी डाइल्यूशन भी एक्सपेक्टेड है? देखिए अभी QIP का तो कुछ हमने एडिशनल अनाउंसमेंट किया नहीं है, वो एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन लिया था हम लोगों ने शेयर होल्डर्स से कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स हो सकता है कि हम QIP करें, अगर हमारे मन में कोई स्पेसिफिक कारण हो। जो जो 3 ग्रोथ एरियाज है कंपनी के लिए एडिशनल बियॉन्ड द कोर बिजनेस जो हम कर ही रहे हैं, जो कि हमने बताया इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ड्रोन का बिजनेस और कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस, वो हम एक्चुअली बिकॉज काफ़ी प्रॉफिटेबल है, कैश जनरेटिंग है, तो ये तो हम ऑर्गेनिकली भी अपने अक्रूवल से आराम से कर सकते हैं। 550 करोड़ तो कंपनी के अंदर कैश है, तो ये हमने इनेबलिंग रेजोल्यूशन रखा कि अगर कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ अपॉर्चुनिटी, रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए राइट है, अगर आती है तो हमारे पास वो ऑप्शन रहे। बट इफ यू आस्क मी एज ऑफ नाउ कोई कोई प्लान नहीं है फॉर डाइल्यूशन। जी सर, हमने रिसेंटली देखा था कि प्रमोटर ने कुछ ओपन मार्केट में एक ब्लॉक डील के जरिए अपने कुछ स्टेक को घटाया था। इट वाज हार्डली 1%। कैन वी एक्सपेक्ट कि इस तरह का कुछ अब और नहीं होगा फ्रॉम द प्रमोटर साइड? नहीं होगा, वो बहुत ही क्लियरली हम लोग ने स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोजर डाला कि ये 0.9% डाइल्यूट किया गया। मेरे फादर ने तो IPO के समय भी ये सब नहीं किया था, कोई ऑफर्स उन्होंने नहीं किया था, जी वो फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये सब उन्होंने जो जो किया। बट ये भी साफ साफ लिखा गया कि देयर इज नो प्लान्स फॉर एनी मोर डाइल्यूशन फ्रॉम द प्रमोटर्स। वन मोर थिंग सर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपने एक गाइडेंस दी है FY 2027-28 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कि हम 1,000 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे। कौन सा पर्टिकुलर वर्टिकल होगा सर जो सबसे बड़ा वेटेज रखेगा आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में? बिल्कुल, जो जब हमने ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था पिछले साल कि FY 2027 या FY 2028 में हम 1,000 करोड़ अपना रेवेन्यू माइलस्टोन क्रॉस करेंगे, तो उसमें हमने बड़े क्लियरली ड्रिल डाउन करके बताया था कि देखिए ऑटोमोटिव कंपनीज हैं कस्टमर्स हैं, मोबिलिटी कस्टमर्स हैं, यू नो कॉरपोरेट वर्ल्ड, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट के कस्टमर्स हैं। वहाँ पे अभी हमारा बिजनेस ये है, कितने क्लाइंट्स हैं, कितना पैसा आता है और 3-4 साल में कितना हम कस्टमर्स के पास पहुंचेंगे, कितने उनमें हम कन्वर्ट करेंगे, और इसलिए उतना गुना, ये जो 4 भाग है, कोई इतना गुना करेगा, कोई इतना, कोई 3x, कोई 4x, कोई 6x, कोई 10x, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो 3-3.5x ऐसे हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ये हमने काफी अच्छे से बताया था, तो उसमें ऑटोमोटिव का एक ग्रोथ था 3x का, कॉरपोरेट वर्ल्ड में 4x का ग्रोथ था, गवर्नमेंट में 6x का था, और IoT एरिया जो मोबिलिटी फ्लीट है वहाँ पे 10x का था। ये हमने एक एस्टिमेट किया था, बट ओवरऑल यू नो ये ओवरऑल तो हम 1,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें, हो सकता है कोई और बढ़ जाए, कोई हल्का सा कम हो, बट ये हमारा बेस्ट गैस है। बट हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड, आई मीन माइलस्टोन कि फुली ऑन ट्रैक है, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 1,300 करोड़ का ओपन ऑर्डर बुक है साल की बिगनिंग में, जो कि उसके पहले साल 900 करोड़ था, उसके पहले साल 700 करोड़ था। तो अगर आपको दिख ही रहा है कि ओपन ऑर्डर बुक जैसे बढ़ रहा है, रेवेन्यू जैसे पिछले साले कुछ सालों से बढ़ रहा है, तो आगे भी हम पहुंच जाएंगे अपने माइलस्टोन तक। जी सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जो आप 1,000 करोड़ 2027-28 के लिए कर रहे हैं, लेकिन FY 2025 के लिए कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इतना रेवेन्यू हम अचीव करेंगे? देखिए हम हर क्वार्टर अपने ऑर्डर बुक पे एग्जीक्यूट करते हैं, नए ऑर्डर्स को लाते हैं, जिससे उनसे भी कुछ नया एग्जीक्यूट करके अपना रेवेन्यू बनाए। टीम फुली उस पे फोकस्ड है। जो हमने गाइडेंस दिया है वो हम FY 2027 FY 2028 के लिए दे रहे हैं। आपके पास हमारे पास पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली हम उस ट्रैक रिकॉर्ड पे चलते रहना चाहते हैं, बट जो हम स्पेसिफिक गाइडेंस तो FY 2027 FY 2028 के लिए दे रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर सर। तो ये थे मैप माई इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ, जिन्होंने कि बताया कि कंपनी डिफेंस पर भी फोकस एग्रेसिवली कर रही है और कंपनी अपने रेवेन्यूज को 2 से 3 गुना तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है इन 2 to 3 years। और कंपनी का मोबिलिटी जो बिजनेस है ऑटोमोबाइल में, जो हम जैसे गूगल मैप देखते हैं उसी तरह से कंपनी का एक ऐप चलता है, उस ऐप की बड़ी बड़ा इन्होंने एग्रेसिव वे में इसका प्रचार किया है और इनको बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं और उसका फ़ायदा कंपनी के रिजल्ट्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। बाकी कंपनी के जो छोटे छोटे दूसरे वर्टिकल्स हैं वो भी अच्छा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और कंपनी 1,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को टारगेट कर रही है बाय FY 2027-28। ब्रिजेश सर के पास चलते हैं, बाकी नतीजों की थीम पर भी बात करते हुए चलते हैं क्योंकि काफ़ी कंपनीज ने नतीजे दिए हैं अपने। ब्रिजेश सर, IRFC यहाँ पर हम देखें तो दर्शकों के काफ़ी सवाल मिलते हैं और रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट दोनों में ही एक फ्लैटिश था ऑन द पॉजिटिव साइड। रेवेन्यू में करीब 1.3% और प्रॉफिट में 1.7% की ग्रोथ। सर कैसे देख रहे हैं IRFC को ऑन चार्ट्स? विवेक, IRFC का जो चार्ट है वो 180 का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। हालांकि जो अभी जो करेक्शंस आए थे तो वहीं से घुमा है, 171 का एक रिसेंट लो देखने को मिला था। तो मुझे लगता है एक स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, वापस इसमें 240-250 तक का व्यू हमारा लॉन्ग टर्म के नजरिए से है। तो मुझे लगता है अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से के नजरिए से भी काफी फेवरेबल है। अगर ट्रेडिंग ना करे, अगर लंबे अवधि के लिए अगर किसी को पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है IRFC में पोजीशन बनाया जा सकता है। जी, नेक्स्ट काउंटर हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर दर्शक काफ़ी सवाल भी पूछते हैं सर और नतीजे भी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। इनफैक्ट रेवेन्यूज़ में करीब 33% का जंप, प्रॉफिट में करीब 141% का जंप देखने के लिए मिला है। 47 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 113 करोड़ रुपये होता हुआ दिखाई दिया। कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? अभी और स्ट्रेंथ बनेगी क्या? 100% विवेक, हिंदुस्तान कॉपर में मेरा डिस्क्लेमर भी रहेगा क्योंकि ये कॉल हमने हमारे कंपनी में क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हमने। ये जो हिंदुस्तान कॉपर हमने करीब करीब 290 के आसपास हमने इस लॉन्ग के पोजीशंस बांधे हैं। मेरा ये मानना है कि अगले 3-4 महीने में ये 360 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेट काफी ज्यादा एग्रेसिव बाय है, तो डेफिनेटली पोजीशन बनाने चाहिए। 300 का अगर बाय एनी चांस थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आता तो री एंटर करें। 360 का व्यू टेक्निकल टारगेट है जो मैं बांध के चल रहा हूँ। बिल्कुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंटर वोडाफोन आइडिया, इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। रेवेन्यूज़ में करीब 1% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। पहले हम रेवेन्यू और प्रॉफिट से देख लेते हैं। रेवेन्यू में 1% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। लॉस कंपनी को मैंने कल भी बात की थी कि कंपनी का लॉस तो पिछले कई सालों से, कई क्वार्टर से चल रहा है, लेकिन लॉस अब कम होने लगा है। उसकी भी बड़ी वजह है कंपनी का डेट रिडक्शन हो रहा है, उस पर बात करेंगे। कंपनी का लॉस 7837 करोड़ के मुकाबले 6434 करोड़ रुपए रहा है, करीब करीब 1400 करोड़ YoY और 1200 करोड़ रुपए QoQ घटा है। एबिटा जो हम सभी जगह देख रहे हैं स्ट्रीट में जो लोग चला रहे हैं, उसमें अदर इनकम की एडजस्टमेंट नहीं है। हमने अदर इनकम की एडजस्टमेंट करके एबिटा निकाला है जो कि 1.15% अप है। मार्जिन्स भी 1% ऊपर हैं, 39% से बढ़कर 40% है। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन भी 40% एबिटा मार्जिन्स की थी। क्या कुछ Q1 की हाइलाइट्स थी उनको भी देख लेते हैं जो उन्होंने मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बोला है। मैनेजमेंट ने बोला कि 4550 करोड़ रुपए का कंपनी ने कर्ज चुकाया इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हुई है और उसकी वजह से ही उनका जो नुकसान है वो अब कम होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा, जो कंपनी ने हाल फिलहाल में इक्विटी से FPO के जरिए फंड रेजिंग की और जो भी उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो फंड रेजिंग की है उसके 18,150 करोड़ रुपए अभी भी कंपनी के पास मौजूद हैं और कंपनी की बैंकर्स के साथ, लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है फ्रेश राउंड ऑफ लाइन क्रेडिट के लिए, यानी कि और कर्ज लेने के लिए, जिसकी मदद से कंपनी के पास एक अच्छी खासी नकदी हो जाएगी और उसको कंपनी कैपेक्स पर, यानी कि अपनी विस्तार पर खर्च करेगी, जिसका जो विस्तार है वो अगले 3 साल में 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का रह सकता है, अनुमान कर रहा है मैनेजमेंट। ब्रिजेश सर, अगर मैं देखूं तो वोडाफोन आइडिया रिजल्ट्स ठीक हैं, इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं स्ट्रीट की। दूसरा कि कंपनी
अब रिवाइव करने की पूरी कोशिश में है, कर्ज चुका रही है और नया कर्ज भी नहीं ले रही है, मतलब नया कर्ज जो ले रही है वो बैंकर से सस्ती रेट का लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है उनकी। और फिर कैपेक्स पे इतना बड़ा खर्च कि 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए, तो जो सवाल उठ रहे थे कि कंपनी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, अब जब कंपनी 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी, बैंकर्स उसको पैसे देंगे, बड़े बड़े निवेशकों ने उसको पैसे दिए हैं, तो रिवाइवल की बात मान ली जाए, और मान ली जाए तो कितना बड़ा टारगेट रखें या कितने कुछ कॉशस व्यू रखना है, तो वो उसका बताइए कि क्या स्टॉप लॉस रखें। विवेक, वोडाफोन जो अगर मैं चार्ट के नजरिए से देखो, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम ये करेंट ईयर के जो जनवरी मंथ है वहीं से आना चालू हो गया था, और काफी दो तीन एज ए ट्रेडर के लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, 10 रुपया और 18 रुपया ये रेंज रहा है वोडाफोन का, तो ये रेंज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा मुश्किल होगा बताना, बट देन लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लगता है इसमें एक राउंडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और कम से कम आप मान के चलिए कि जहां पे उसको सप्लाई आया था 18 साढ़े 18 19, ये जो 18 से 19 का जो रेंज है जहां पे एक सप्लाई आया वहां से करीब करीब 25 रुपया ऊपर, तो वो एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, टाइम लगेगा इसमें, बट डेफिनेटली मेरा मानना है कि इसमें पोजीशन है तो बना है। नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 13 और 14, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछली बार भी जब ये इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया ना, 13 साढ़े 13 के लेवल से इसे वापस बाइंग आ गई थी, तो अभी जो चल रहा है उसमें टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, पोजिशन बनाए रखे, और जब भी हमें 18 साढ़े 18 के ऊपर अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ जब मिलेगा तो मुझे लगता है उसके बाद एक नया लेवल खुलेगा जो एक 25 रुपए इसको और ऊपर लेके जा सकता है। टाइम फ्रेम हो सकते हैं 2 3 साल भी लगे, लेकिन पोजीशन बनाने जैसा मुझे ये काउंटर लगता है। पोजीशन बनाने जैसा लगता है, 18 साढ़े 18 के ऊपर जब ये निकलेगा काउंटर तब 25 रुपये की रेंज तक जाएगा, और ये टेक्निकली हमारी ज़्यादातर जितने भी एनालिस्ट से बात हुई है सभी के लगभग उसी रेंज पर टारगेट भी हैं, 22 24 25 29 उसी रेंज पर टारगेट है, और सभी का एक लेवल ऑफ ब्रेकआउट भी है क्योंकि टेक्निकली है, तो 18.5 की रेंज जब ये पार करेगा तभी इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग बनती हुई दिखाई देगी। वेरी इंटरेस्टिंग सर।